सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेस मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रखर कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 56, 57, 58, 60 और आंकलन 10 का हल और एक OCR आधारित आंकलन 2। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 56, मेली झोपड़ियों के हैं ये मेले मेले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिल हंसते ये हैं कितने अच्छे, मुझे जैसी इनकी दो आंखें मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज्यादा धूल, ढाबों में बर्तन मलते हैं या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुप चुप रोते हैं, ये भी भारत के बच्चे हैं ये भारत की शान है, झोपड़ियों के हैं तो क्या है मन इन पर कुर्बान है। अब ये आपको कविता दी गई है, हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात कही गई है। इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी में लिखें। नीचे हमने कहानी बनाई है इसकी। जो बच्चे झोंपड़ियों में रहते हैं अर्थात गरीब परिवार के बच्चे, मेले कुचेले कपड़े पहने हुए रहते हैं, वे पूरे दिन उछलते कूदते खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, इनका जीवन अलग ही है, ये अपने हाल में मस्त रहते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से सवाल कर रहा है कि मेरे जैसे इनकी दो आँखें हैं दो हाथ हैं फिर भी ये हमारे साथ क्यों नहीं पढ़ते हैं, इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, इतनी कम उम्र में ये ढाबों पर काम क्यों करते हैं, ये भी भारत के बच्चे हैं हमारे देश की शान है, इन्हें भी स्कूल जाना चाहिए। ये कहानी है, इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। इतना कार्यपत्रक 56। कार्यपत्रक 57, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। बच्चों, तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा, पहले मदारी उन्हें पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे, ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफ़ेद भी होती है, ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलो बियर भी कहा जाता है, सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं, सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं, सफ़ेद भालू का रंग बर्फ़ से मिलता जुलता होता है, भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है, सील मछली भालू का प्रिय भोजन है, सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं, भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस प्रजाति के नाम से जाना जाता है, तो सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलो बियर भी कहते हैं, सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी या खुरदरी तो मोटी होती है, भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं, या भालू आएगा किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालुओं की संख्या कम हो रही है, धीरे धीरे जंगल भी कम हो रहे हैं। पांचवा प्रश्न,
बालू के स्वभाव की विशेषता के बारे में लिखें कि बालू की नज़र तेज होती है, ये शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, ये सोने और खाने के शौकीन होते हैं, सील मछली इनका प्रिय भोजन है। आप ऊंट के बारे में इस प्रकार से लिखिए, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, उसके पैर गद्दीदार होते हैं, ऊंट एक बार पानी पीकर लगभग एक सप्ताह निकाल सकता है क्योंकि उसके कुबड़ होती है और पानी उस कुबड़ में भर लेता है। एक सप्ताह बिना पानी रह सकता है ऊंट, एक बार पानी पीने के बाद। कार्यपत्रक 58, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं, वे तेज व सस्ती है और उपयोग करने में आसान है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा ये अधिकतर स्थानों तक जाती है, इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न जरूर सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए मालगाड़ी का प्रयोग करेंगे हम। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियां बहुत उपयोगी हैं। यदि रेलगाड़ी ठीक से न चले तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों को चलाना बंद कर दें तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचा जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल में प्रतिदिन 13,000 रेलगाड़ियां चलाता है, इनमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। ये इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें, मुस्करा कर और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। और जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। यह है 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इसे गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। नीचे इसके कुछ प्रश्न हैं। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती है, तो ऊपर आया था यहाँ 13,000 रेलगाड़ियां लगभग, इसमें राइट लगाएं। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है, लगभग प्रत्येक व्यक्ति करता है। रेलगाड़ियों के लिए महत्व पर अपने एक विचार लिखें। रेलगाड़ी का सफ़र सस्ता व सुगम होता है, लंबी यात्रा करना आसान रहता है क्योंकि तेज गति से ये चलती है। यह है कार्यपत्रक 58। कार्यपत्रक 59, विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने दो दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी, सबसे आगे सबसे तेज। तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घसीटते चले गए। उनको गंभीर चोट लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लगी। उसके माता पिता बहुत दुखी हुए। विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? विशु मोटरसाइकिल को बहुत तेज गति से चला रहा था। उसने सिर पर हेलमेट नहीं पहना था जिससे सिर पर चोट लगने के कारण विशु कोमा में चला गया। आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं, इसका दुष्परिणाम उसके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है स्पष्ट करें। असावधानी से वाहन चलाने से युवा दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, परिवार का इकलौता बेटा या इकलौता कमाने वाला छिन जाता है।
सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर है, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करना चाहिए, फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, आपके पिताजी प्रतिदिन दुपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं, उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होना चाहिए लिखिए। तो उनके पास लाइसेंस, स्वयं का पहचान पत्र, बीमा पत्र और गाड़ी, ये RC, प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र आदि होने चाहिए। पांचवा है, अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन सीमित गति में चलाएं, नशा न करें, फोन पर बात न करें आदि। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं बताइए। पी के मतलब क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब नो पार्किंग या गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। नीचे और ऊपर लाइन है, आना जाना चालू है। बीच बीच में डिब्बे और आदमी निकल रहा हुआ चित्र है, यानी जेब्रा क्रॉसिंग। ऐसे टर्न आ रहा है, इसका मतलब नो यू टर्न, बीच में लाइन खींची हुई है, यू टर्न नहीं है। ये था कार्यपत्रक 59। कार्यपत्रक 60, कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न लिखिए। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इनमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें, तय कर आई मीलों पार, ये आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। के चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है? तो चिट्ठी में जितनी दूरी पार कर आई है, किसकी चिट्ठी आई है, चिट्ठी में क्या क्या सीख दी गई है, ये बातें हो रही हैं। गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे गए उदाहरण को प्रश्न बनाकर लिखिए। गद्यांश है, जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को धीरे धीरे समझा पहचाना। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अगर आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने का विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र, पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक का साभार लिया गया है। खास बात यह कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने किया। नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा की को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया? आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, चाचा नेहरू के नाम से कौन जाना जाता है, ये प्रश्न बनाने हैं। इसमें से नेहरू जी द्वारा लिखे पत्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया? यह था कार्यपत्रक 60। आकलन 10, निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद बच्चा तेज दौड़ रहा है, तो इसमें दौड़ है क्रियापद। हरि ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, उक्त वाक्य में काल है, काल है इसमें भूतकाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में लिखे अनुसार काल में बदलें, सीता घूमने जा रही है भूतकाल में बदलना है, सीता घूमने जा रही थी, तुम खेलने गई थी वर्तमान काल में बदलें, तुम खेल रही हो, ये मेरा खत था भविष्य काल में बदलना, ये मेरा खत होगा। आपके विद्यालय में 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया, इस उत्सव को समाचार पत्र में छपवाना है, आप क्या क्या बातें छपवाना चाहेंगे लिखिए। उपस्थित अतिथियों के बारे में, एक दिन बामासाओं ने विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान किया उनके नाम देकर।
निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में लिखिए। नदी गंगा एक पवित्र नदी है। खिलाड़ी मोहन क्रिकेट का खिलाड़ी है। राजस्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लकड़ी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। चित्र को देखकर वाक्य बनाइए। प्रत्येक वाक्य में विशेषण विशेष्य का प्रयोग करते हुए उन्हें अलग अलग करें। चित्र देखें, पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। उदाहरण वाक्य, दो बच्चे झूल रहे हैं, विशेषण है दो, विशेष्य बच्चे। कुछ बच्चे फिसल रहे हैं, विशेषण है कुछ, विशेष्य है बच्चे। एक झूला दिखाई दे रहा है, विशेषण है एक, विशेष्य झूला। हरी घास का मैदान है, विशेषण हरी, विशेष्य घास। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ हैं विशेषण, विशेष्य हैं बच्चे। यथा कार्यपत्रक 55, 56, 57, 58, 59, 60 और आकलन 10 का हल। और भी हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।